हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजल कमरानी। जैसे मैंने आपसे कल बात की थी कि ग्रेड 5 से ग्रेड 15 की स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रही है, जो कि सब डिपार्टमेंट्स के लिए होगी। सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपकी एक ही टेस्ट वो काम आने वाली है। टेस्ट में कैटेगरीज रखी गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अप्लाई कैसे करना है, इसमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आगे चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपके पास मेरी वीडियोस और नोटिफिकेशन आ सके। तो चले चलते वीडियो की तरफ। पहले डिस्कस करते हैं कि ये है क्या और कैसे काम करेगा, उसके बाद हम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम चलते हैं कि ये है क्या। सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी अब जॉब्स आएंगी इस टेस्ट के बिहाफ पे आप जो है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपका इंटरव्यू होगा उसी डिपार्टमेंट में, वो ग्रेजुएशन पे हो, अगर ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, या मेट्रिक पे हो या इंटरमीडिएट पे हो, ठीक है। तो यही एक टेस्ट आपका 3 साल तक काम आएगा जितनी भी जॉब्स आएंगी, ठीक है, पहले ये समझ लें। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी है बेसिकली, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, ठीक है। ग्रेजुएशन पे जो जॉब्स आएंगी उस पर आप ग्रेजुएशन में मतलब उस टेस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर इंटरमीडिएट पे होगी तो इंटरमीडिएट पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर मैट्रिक होगी तो मैट्रिक वाली टेस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसकी जो पासिंग रेशो रखा है इन्होंने वो 40% रखा है, ठीक है, और ये 3 साल तक वैलिड होगा। और उसके बाद वही मैंने जो बताया कि आपको टेस्ट जो है वो टेस्ट की रिज़ल्ट जो है वो आप उसके थ्रू अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। इसकी टेस्ट जो है जैसे PST और JST के एग्ज़ाम्स हुए हैं इसी तरह से आपके ये एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद जो है वो आप इसमें जो है एज जो है इसमें 18 से 30 साल है, लेकिन 15 साल इसमें एज रिलेक्सेशन आपको मिल जाएगी, तो टोटल ये 45 ईयर्स तक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ग्रेजुएशन पे ग्रेजुएशन में आपकी जो कम से कम मार्क्स 45 होनी चाहिए, और अगर इंटरमीडिएट पे है उसमें भी 45, अगर मैट्रिक पे है तो उसमें भी 45। एज इसमें 18 से 30 है, 15 साल एज रिलैक्सेशन है, ये टोटल 45 हो जाएगी आपकी एज। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए अगर तो आपका अकाउंट STSC पे बना हुआ है, जैसे PST और GST में लोगों ने बनाया हुआ है, उनको तो जस्ट जाके अप्लाई करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे अकाउंट बनेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जो है आपको 3 पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर तीनों के लिए कर रहे हैं, अगर खाली ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं तो 350 रुपये का चालान आपको पे करना है। अगर दो कर रहे हैं ग्रेजुएशन और इंटर के लिए तो आपको 350 प्लस 700 का चालान पे करना होगा। अगर तीनों के लिए कर रहे हैं 350 का और दो जो है 700 के अलग अलग चालान पे करने होंगे और अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा, ठीक। सर, इसकी लास्ट डेट जो है वो नवंबर 30 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे हम ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट